फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म थलाइवर 171 से एक अपडेट है। आपको बता दें अपडेट ये है कि थलाइवर 171 के डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि थलाइवर 171 एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म होने वाली है जो रजनीकांत के करियर में भी एक नए तरह के कॉन्सेप्ट की फिल्म होने वाली है। और डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने भी अब तक ऐसी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया है, तो ये दोनों के लिए एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म होने वाली है। और उन्होंने भी कंफर्म किया है कि रजनीकांत की यह फिल्म एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी और इस फिल्म का उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं होगा। आपको बता दें मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2024 से स्टार्ट करेंगे और वहीं इस फिल्म के कई पोर्शन को आईमैक्स कैमरे से शूट किया जाएगा। और वहीं रजनीकांत की यह फिल्म हमें 2024 के सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर लोकेश कनगराज और सुपरस्टार रजनीकांत के इस कॉम्बिनेशन के बारे में? जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता, बस ठोक देता। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म आस्की 3 से एक अपडेट है। आपको बता दें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि आस्की 3 में हमें कार्तिक आर्यन के अपोजिट तारा सुतारिया लीड रोल में देखने को मिलेंगी। ऑफिशियल तो नहीं है, तो देखना होगा कि इस खबर पर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आती है। कार्तिक आर्यन की ये फिल्म एक म्यूजिकली रोमांटिक फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर अनुराग बासु डायरेक्ट करने वाले हैं, जहां अभी मेकर्स इसकी कहानी पर काम कर रहे हैं और इसकी शूटिंग मेकर्स जल्द ही स्टार्ट करेंगे। और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म हमें 2024 के सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगी। एक नई मलयालम फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है जिसका टाइटल गंधर्व है और वहीं इस फिल्म को डायरेक्टर विष्णु अरविंद डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसके लीड रोल में हमें उन्नी मुकुंदन देखने को मिलेंगे। और जैसा कि हमें अनाउंसमेंट वीडियो से पता चलता है कि इस फिल्म की कहानी भारतीय संस्कृति के ऊपर बेस होने वाली है, जिसमें हमें गंधर्व और देवताओं की कहानी देखने को मिलेगी। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, पर मेकर्स ने यह कंफर्म किया है कि उन्नी मुकुंदन की यह फिल्म एक पैन भारत फिल्म होने वाली है जो मलयालम के साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा में देखने को मिलेगी। तो आपको गंधर्व का ये अनाउंसमेंट वीडियो कैसा लगा? अगर आप भी मुन्ना भैया का इंतजार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि मिर्जापुर का सीजन 3 हमें 2023 में नहीं बल्कि मार्च 2024 में देखने को मिलेगा। ऑफिशियल तो नहीं है, तो देखना होगा कि इस खबर पर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आती है। कमल हसन की मच अवेटेड फिल्म इंडियन 2 से एक अपडेट है। आपको बता दें अपडेट ये है कि इंडियन 2 के मेकर्स ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए बताया है कि इंडियन 2 की डबिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस डबिंग प्रोसेस में सिर्फ कमल हसन और शंकर देखने को मिल रहे हैं और बाकी स्टार कास्ट की डबिंग होना बाकी है। आपको बता दें इंडियन 2 एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर शंकर डायरेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में कमल हसन के साथ काजल अग्रवाल सिद्धार्थ लीड रोल में देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल तो नहीं है, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि कमल हसन की ये फिल्म हमें 15 अगस्त 2024 को देखने को मिलेगी। तो देखना होगा कि इसकी रिलीज डेट को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आती है। कौन है, मालूम है तुझे? हिंदुस्तानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।